प्रदेश सरकार ने हाल में ही कई विभागों में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। विनोद कुमार श्रीवास्तव को लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के तौर पर तैनात किया गया है। सहयोगी कन्हैया ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई विभागों में बड़े अधिकारियों के तबादले हुए हैं, ऐसे में लोक निर्माण विभाग एक जो महत्वपूर्ण विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, इस विभाग में भी बड़े अधिकारियों के तबादले हुए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता के पद पर विनोद कुमार श्रीवास्तव जी की नियुक्ति हुई है, आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी और क्या कुछ ये नया कुछ करने वाले हैं। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आपकी नियुक्ति हुई है बनारस में, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आपकी क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? सर, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस पे मेरी पोस्टिंग हुई है और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा। मेन रूप से जो जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उनको जल्द से जल्द शुरू करा के उसको क्वालिटी के साथ पूरा कराना मेरी प्राथमिकता ये रहेगी। और किसी भी तरह के क्वालिटी से समझौता नहीं होगा और टाइम, खास तौर से टाइम का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि जो जितने समय में पूरा होना है उससे और पहले पूरा कराने की पूरी प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स या किसी तरह की कोई कंप्लेंट्स वगैरह को भी ध्यान रख के जल्द से डिस्पोजल किया जाएगा, यही मेन प्राथमिकता रहेगी। सर, कर्मचारियों के हित को लेकर के क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी? कर्मचारियों के हित को लेकर के एक्चुअली होता क्या है, पेपर्स इनके कर्मचारियों के हित में बहुत से कागज रुके रहते हैं, ऑफिस वाले डिस्पोज नहीं करते, उनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, तो उसका अलग से एक सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं और उसकी भी मॉनिटरिंग करेंगे। उसका एक मैंने फॉर्मेट भी बना रखा है कि कर्मचारियों के जो भी पेंडिंग चीज़ें हैं उसका फॉर्मेट में हर महीने रिपोर्ट लेंगे और उसको मैं खुद मॉनिटर करके उसको सॉर्ट आउट करूँगा और किसी तरह की ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे। एस्टेब्लिशमेंट मैटर को स्पेशली अलग से मैं उसको मॉनिटर करूँगा जिससे कि किसी भी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत काम के लिए कुंठित ना होना पड़े, उसको भाग दौड़ ना करना पड़े, उसके मन में ये लगे कि नहीं हमारा काम अपने आप हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिक हमारे सरकार की कामें हैं उन पे विशेष ध्यान दे करके काम करेगा। अदरवाइज वो थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है कि मेरा काम हो नहीं रहा, हम सरकार का काम करें, तो इसको हम विशेष ध्यान देते हैं और अलग से देते हैं। पहले भी हम यहाँ पर रहे हैं एक साल और मैंने बहुत इस संबंध में काम किया है और लोगों को आइडिया, उसी हिसाब से फिर मैं उसको फॉलो करूँगा। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, सर उस संदर्भ में आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हाँ, उसकी विजिट करेंगे हम और उसकी रिपोर्ट्स लेंगे और फिजिकली जहाँ जा सकते हैं जाएंगे, अदरवाइज मैंने एक वर्चुअल भी विजिट करने का सिस्टम बनाया है, आजमगढ़ में मेरा चल रहा है और वो मैं करूँगा। यहाँ पर भी मुश्किल से 10-15 दिन के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगा और मैं हर साइट को देखूँगा और फिजिकल प्रोग्रेस तो मैं चेक कर ही लूँगा। और स्टाफ भी अच्छा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और कोई शिकायत नहीं आएगी। पैच रिपेयर वगैरह का काम होंगे, अच्छे होंगे, कोई प्रॉब्लम। इसी में नवागत चीफ अभियंता लोक निर्माण विभाग विनोद कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हमारी उनके कार्यों को, उनके प्राथमिकताओं को लेकर विशेष चर्चा हुई। आप हमारे साथ बने रहिए, रफ्तार मीडिया को देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप जायसवाल के साथ वाराणसी से कन्हैया लाल।